आज मैं देख रही हूँ महाराष्ट्र के पुलिस भी, महाराष्ट्र की सरकार हमारे खिलाफ इस मुद्दे पर नहीं होते हुए भी हमको टुकड़े टुकड़े में भेज रहे थे रैली निकालकर, और 4 बजे मीटिंग पूरी करने की। मोदी, तूने मेरे बाप की ताकत में हमें खरीद सके तू। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर SWNU। किसान आलियांस मोर्चा मुंबई करों ने निकाला किसानों को दिया सलामी, अपनी भारी तादाद से किया सपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट SWA News। रद्द करो अन्न देणाऱ्या शेतकऱ्याला न्याय द्या, न्याय द्या, अन्न देणाऱ्या शेतकऱ्याला न्याय द्या। किसान विरोधी किसानों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, गरीबों का हक पिछले क्रम चिंता हिसाब के, गरीबों का हक पिछले क्रम चिंता सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सभी महिलाएं ने अंदर जाने वापस करे बिना इस देश को भूखे प्यासों को जिंदा रखना नाम। जैसे कि 1.5 महीने से आप लोगों ने इतनी सर्दी में इतनी बड़ा संघर्ष करने का क्या बातचीत चालू है, तारीख पे तारीख दे रहे हैं। देखिए, ये तो सरकार की मानसिकता दर्शा रही है। ये बात बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को सड़कों पर इतनी सर्दी में बैठा करके वो जो जुल्म कर रही है उसका असली चेहरा सामने आ रहा है। इस देश को बेच दिया, BSNL बेच दिया, पेट्रोलियम इंडियन ऑयल बेच दिया, रेलवे बेच दिया, और कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी। एक दिन में 23 जो पब्लिक सेक्टर की जो आधारित उसको बेच दिया। अब भी जो कोरोना की जो मार थी सबसे ज्यादा चलने वाला, जिसने देश को सर्वाइव करने के लिए खड़ा हुआ खेती सेक्टर, उस पे नजर है सरकार की। और आज जो अडानी अंबानी और कॉर्पोरेट जितने भी अदारे उनको बेचने जा रहे हैं, ये हम बिकने नहीं देंगे। और मैं मेधा पाटेकर जी और बाकी गणमान्य नेता का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इस आंदोलन को इस देशव्यापी बनाने में एक बड़ा कदम उठाया। देखिए हमारी बहनें, देखिए जब 50% हिस्सा डालने वाली देश की औरत खड़ी हो जाएगी ना, तो इस देश की कोई भी ऐसे नेता नहीं होगा, ऐसी सरकार नहीं होगी जिसको घुटने के बल आकर के इस देश को। एक गरीब इंसान 20 किलो चावल करेंगे तो क्या लगता है इनके पास खेती जाने का क्या रेट होगा? देखिए, जब आप सोच सकते हैं कि जब ये कॉर्पोरेट के पास आ जाएगा, किसान तो अपने लिए कुछ ना कुछ बचा के रखेगा, लेकिन मजदूर कैसे रखेगा? मजदूर को जब 100 रुपये किलो आटा ये लेना पड़ेगा तो तब इस देश को मालूम पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ मजदूर जाके, किसान जाके, और जाके मुलाजम वर्ग जाके, जब जागेंगे तो ये लड़ाई हम लोग जीतने के लिए आसान है। अडानी के रोज की कमाई 384 करोड़ रुपए है। वो केवल गोडाउन बांधेंगे नहीं, जमाखोरी से और मुनाफाखोरी को आगे बढ़ा
लड़ाएंगे, हमें ये मंजूर नहीं है। पानी जो 20 रुपए लीटर बिक रहा है तो इसका क्या रेट होना चाहिए? 55 पैसे लीटर से महाराज कंपनियों आ जाइए देने वो सिस्टम बता रहे हैं, वो कैसे आने जाने का पूरा सिस्टम भाई हो। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं किसान अलायंस मोर्चा का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, मुझे इधर आमंत्रित किया। वैसे मेरी पहचान यह है कि मैं पूरे महाराष्ट्र का सबसे कम उम्र का एमएलए हूं, मगर उससे पहले भारत देश का एक नागरिक हूं। और इसीलिए जब मैं देखता हूं आप सबकी तरह, जब हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई के किस कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ रहा है, तो दिल में बहुत दुख होता है। हमारे कितने किसान भाई शहीद हो चुके हैं, मगर प्रधानमंत्री और केंद्रीय सरकार उसके बारे में उफ भी नहीं करती है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत देखता है और समय का तकाजा है, पर हम सब आज इधर एकजुट हुए हैं। हमने साफ पे प्रोटेस्ट किया, बहुत से मेरी बहनें, मेरे भाई सब चल के आ रहे हैं और हम एक ही जज्बे के साथ आए हैं कि हमारे किसानों के लिए आए, किसानों के हक की लड़ाई के लिए आए हैं। जो काले कानून ये केंद्रीय सरकार ने पास किए हैं, हमारी यही मांग है कि ये कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि जो सरकार है वो आम जनता के लिए होनी चाहिए, उद्योगपतियों के लिए नहीं होनी चाहिए। मगर हमारे देश में जो हालात है वो आम नागरिकों के लिए नहीं है, सिर्फ जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। महात्मा गांधी जी के मानने वाले हैं, अगर हम उस वक्त अहिंसा से, हम जोरों से डर चुके हैं तो ये तो कोई नहीं है हमारे सामने। मैं आप सभी का कहने से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अनेक व्यक्ता है, मैं अपने दो शब्द इधर ही खत्म करना चाहूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, अल्लाह हाफिज, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं किसान अलायंस आंदोलन की तरफ से विद्याताई आमदार और प्रोफेसर मुंगेकर का स्वागत करता हूँ। मतलब ऐसे नेता जिन्होंने हमेशा किसान के लिए लड़े, उन्होंने एक सिस्टम बनाया है जिसको पीडीएस सिस्टम बोलते हैं, जो राशन की दुकान में सस्ता अनाज मिलता है। आपको पता है ये अनाज का जो बिल भरती है सरकार, केंद्र सरकार, वो 4 लाख करोड़ का है। आज ये अदानी और अंबानी, इनकी नजर ये 4 लाख करोड़ जो गरीबों के है उनके ऊपर है। आज जो आप खड़े हुए किसानों के लिए, वो आज आप इस अदानी और अंबानी की जो सरकार है उसके ये सपनों को रोकने का काम कर रहे हो। आप जो आज कर रहे हो वो अपने जो बच्चे हैं, जो आने वाला उनका कल है, जो छोटी छोटी दुकानों में हम कारोबार करते हैं, चाहे अनाज का कारोबार करते हैं, चाहे छोटी चीजों का कारोबार करते हैं, इस देश में मोदी सरकार चाहती है कि सिर्फ 2 लोगों का धंधा हो, अदानी और लुधियाना की सरहद के ऊपर जो सरदार खड़ा है, तुम तुम्हारी छोटी चट्टी वालों को वहां पे भेज देना। आज बात करें हम यहां पर, तो आज यहां पर खड़े होकर शर्म आती है मुंबई में कि एक जो हक हमारा दैनिक हक है, किसानी की बात करें, आज अनाज खाना हमारा दैनिक हक है, वो हमसे छीना जा रहा है। अगर आज अंबानी और अदानी, अगर आज ये हिंदुस्तान में जैसे मोदी चाहता है कि काले कानून ले आए, अगर ये तीनों काले कानून आ गए तो हम खाने से भी दूर हो जाएंगे। और ये स्टेज से आज मैं खड़े होकर बोलना चाहूंगा कि मेरी ध्यान से बात सुन लो अंबानी और अदानियों, अगर तुमने किसान से पंगा ले लिया, गलत हाथ में तुम आ तो गए हो। अगर किसान जो जाग गया है उसे गुस्सा आ गया, आज हिंदू, आज मुस्लिम, आज सिख, ईसाई सब एक साथ हो गए हैं, अगर हमारा सिर का पारा ऊपर हो गया तो हिंदुस्तान में तुम्हारी BMW मर्सिडीज कम बिकेगी और किसानों के ट्रैक्टर ज्यादा। बात करूं तो यहाँ पर एक जयकारे के साथ मैं मेरे भाषण का अंत करूंगा, क्योंकि यहाँ पर आज समय का हमने बहुत महत्व रखना है।
तो आओ पूरे मुंबई, महाराष्ट्र, हिंदुस्तान, दुनिया में बता रहे कि किसान एक है। एक जकारे के साथ हम शुरुआत एक नवी करेंगे मुंबई के इतिहास की। बोले सोनियाल, किसान एकता, किसान एकता, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पीछे से जो शिकायत आ रही है कि पीछे जो लोग बैठे हैं वो मुसलमान सिख और ख्रिस्ती भी हैं, और इस वक्त जो रोजी रोटी और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें हमें सभी साथ देना बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये बंबई शहर जो है अजीब और गरीब शहर है। यहाँ पे आंदोलन भी छेड़े जाते हैं और यहाँ पर कॉरपोरेट की भी राजधानी है। तो ये शहर में, ये महानगरी में हमें हमारे सोसाइटीज में, हमारे बस्तियों में, हमारे ये आंदोलन का संदेश पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि ये लंबी लड़ाई, ये आज और कल में खत्म होने वाली लड़ाई नहीं है। हमें समझाना पड़ेगा कि पीडीएस राशन पे क्या असर पड़ेगा, हमें समझाना पड़ेगा कि महंगाई पे क्या असर पड़ेगा, और हमें ये समझाना पड़ेगा कि किसान आंदोलन ने जिस तरह एक राजनीतिक चुनौती ये सरकार को दिया है, वैसे राजनीतिक चुनौती देते हुए हम आगे आंदोलन हमारा कैसे बढ़ाएंगे। महिला किसान और महिला नेता ने बहुत बड़ी आगेवानी ये आंदोलन में दिखाई है, उनको हम सलाम करते हुए मैं कहती हूँ कि महिला होने के कारण हमने काम किया है बावजूद नहीं। शुक्रिया। अबू आसिम आजमी बहुत ही जुझारू नेता श्री जस्टिस कुलसे पाटिल साहब यहाँ आए हुए, तमाम एनजीओ, तमाम पोलिटिकल पार्टीज, तमाम सोशल वर्कर भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले उन सिख भाइयों को सलूट करता हूं जिन्होंने मर्दानगी का सबूत दिया है, जिन्होंने आज मोदी सरकार जो भी आगे बढ़ता है उसे खरीद लेती है, लेकिन इन्होंने साबित कर दिया कि मोदी तूने तेरे बाप की ताकत नहीं हमें खरीद सके तू या हमें डरा सके तू। ये हमारे सिख भाई जो बैठे हुए हैं, यकीन जानिए ना झुकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं। किसान इस देश का 65% 70% लोग किसान हैं। मोदी तुमने जो तय किया है कारपोरेट को बढ़ाने का, इंशाल्लाह ये जो आंदोलन शुरू हुआ है अब उन कारपोरेट को जब तक बर्बाद नहीं कर देंगे हम लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं है। आज ये तीन कानून जिस तरह से डिक्टेटरशिप पे पास किया गया, पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हुआ, इस कानून को आपको खत्म करना ही पड़ेगा। याद रखना दोस्तों, ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, यह आंदोलन इस देश के 130 करोड़ जनता का है और पूरी जनता को इसका अफेक्ट होने वाला है। वो तो एहसान है किसानों का जो बेचारे इतने दिनों से बैठे हुए हैं, हम सबको उसी तरह से मुंबई में बैठ जाना चाहिए। हर गली में, हर शहर में, हर गांव में यह आंदोलन शुरू होना चाहिए, वरना मोदी जी हमारे देश को गिरवी रख के वापस चले जाएंगे। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं दोस्तों, ये जमाखोरी का काम हो रहा है, पूरा का पूरा गोदाम बन रहे हैं, कई कई लाख टन के ट्रेन की पटरियां भी अंदर जा रही हैं, सारे गल्ले सारी चीजें ये लोग खरीद कर जमाखोरी करेंगे, और जब शहर में मुल्क में गल्ला कम होगा तो उसको ब्लैक करेंगे। न जाने इन कमीनों को कितने पैसों की जरूरत है, कितना पैसा कमाना चाहते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था जो बड़ी कंपनियां कारपोरेट हैं वो बड़ा काम करें, छोटा काम मझले तबके के लोग, निचले तबके के लोग करें। ये सब कुछ करेंगे, सब्जी भी बेचेंगे, सड़क भी बनाएंगे और गल्ला भी खरीदेंगे, क्या ये बंद होना चाहिए। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं तमाम एनजीओ को जिन्होंने मुंबई में शुरू किया, लेकिन ये खत्म नहीं होना चाहिए। जब सर्दी के मौसम में किसान बैठा हुआ है, सैकड़ों किसान ने शहीद हो गए लेकिन टस से मस नहीं हुए, तो हमें भी इसी तरह से मुंबई में और चारों तरफ यह आंदोलन बढ़ाना चाहिए। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपने मुझे बुलाया, और आपको बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने मुंबई में यह मुहिम शुरू किया। ये गैदरिंग, उन सबका शुक्रिया, और जो किसान सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर, जहां जहां धरने पर बैठे हैं उन सबका शुक्रिया, देश की अंतरात्मा को जगाने के लिए, हम सबके लिए लड़ने के लिए।
उन तक ये आवाज पहुंचाइए कि वो अकेले नहीं है, सिविल सोसाइटी भी उनके साथ है, जुड़ चुकी है। एक साल से भी ज्यादा अरसा हो गया जब CNRC के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई थी, तब बहुत लोग जुड़े थे, अब और भी ज्यादा लोग जुड़ गए हैं। तो जैसा एक और भाई ने भी कहा था, शुक्रिया केंद्र सरकार का, यूं ही हमें जोड़ते रहिए, देखते हैं आगे और कौन सा मुद्दा है ताकि और भी लोग जुड़ सके। पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं, तो सारा मुंबई आपका स्वागत करता है, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। ये वो लोग है कि इस देश की 140 जनता के लिए लड़ रहे हैं, ठंडी में, दिल्ली की ठंडी में, खुले आम मैदान में हम सबके लिए लड़ रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो जाए। दोस्तों बैठ जाइए, अब हमारी बहन मेघा पाटकर आपके सामने अपने ख्याल, लेकिन वक्त तो कम है इसलिए उनसे भी विनंती है कि 3 मिनट में बोले। अमरजीत सिंह, अमरजीत आप बोल रहे हो, हमारी बहन कह रही है कि वो बाद में बोलेंगे। मैं अमरजीत सिंह से विनंती करता हूँ कि वो आए और 3 मिनट में अपने ख्याल आपके सामने रखे। अमरजीत सिंह, दोस्तों जहां पर आए हुए भाइयों बहनों, आपको मैं, आपके जज्बे को देख के आपको मैं प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले क्योंकि मैं पंजाब से हूं तो मैं फतेह बुलाऊंगा, हमारी जो फतेह है प्रवान कीजिए, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मैं देख रहा हूं कि मोदी जी बोल रहे थे कि ये जो आंदोलन है ये पंजाब और हरियाणा के लोगों का है। मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी देखिए, इकोनॉमिक कैपिटल जिसको बोलते हैं, उसी जगह पर आपकी आंखों के सामने ये हजारों लोगों का इकट्ठ बता रहा है, ये हजूम बता रहा है कि ये आंदोलन एक किसान, किसान का नहीं, मजदूर का नहीं, ये हरियाणा का नहीं, पंजाब का नहीं, सिख का नहीं, मुसलमान का नहीं, ईसाई का नहीं, हिंदू का नहीं, ये देश का आंदोलन बन चुका है। ये देखिए अमित शाह जी, आप मनमर्जी के कानून बनाते गए, हम सहते गए। आपने कानून बनाया, हम जरते गए, लेकिन जब 78% लोगों के पेट पर लात मारने की बात आपने की तो ये पूरा देश उठ खड़ा हुआ, आके खोल कर देखिए। देखिए ये देश आपको बोल रहा है, आप गरीबों के मुंह से निवाला छीनने की कोशिश कर रहे हो, आप सोशल कम्युनिटी जो कानून बनाया आपने, खाद्य पदार्थों की पाबंदी जो लगती थी उसको छोड़कर जितना मर्जी भंडार करने की जो कारपोरेट घरानों को, बड़े घराने को आपने छूट दी, उसके खिलाफ ये देश खड़ा हो रहा है, जो मजदूर खड़ा हो रहा है, जो मुलाजिम खड़ा हो रहा है। आप देखिए, हम पंजाब में जमीन को अपनी मां बोलते हैं और ये मिट्टी के पुत्र आज खड़े हो रहे हैं। जब मिट्टी का बेटा खड़ा होगा, ये अंडानी और अंबानी के तलवे चाटने वाले को इस देश में खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हो, आप 5-5 एकड़ के क्लस्टर बनाने की बात करते हो, है देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। अभी तो 122 शहीद हुए हैं, और कितने मारोगे?
मारो जितने मारते हो, मरने के लिए तैयार हैं। हम शांत में ही रहेंगे, हम शांत में ही रह के शांत प्रिय लोग हैं, हम इस आंदोलन को जीतेंगे। इसी पर मैं समाप्ति करता हूं और फतेह प्रवान कीजिए, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मजदूरों के प्रतिनिधि शामिल है जिसमें भूतपूर्व न्यायमूर्ति कौर से पाटिल जी है, हमारे संयुक्त मोर्चा के समिति के गणमान्य सदस्य भूतपूर्व सांसद राजू शेट्टी जी है, प्रतिभाताई है, फिरोज मिट्टीपोर वाला है, फरीद शेख जी और उनके तमाम साथी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, भटक्या विमुक्त जाति के राठौड़ जी आज यहाँ पधारे हैं, हम सब 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 लोगों का नाम ले लेते हुए सबको धन्यवाद देते हैं कि आज मुंबई का जागरण या इस आजाद मैदान में किसान मजदूर विंग की आदि आजादी की घोषणा करने के लिए एकत्रित दर्शन दे रहा है। और मुझे विश्वास है कि ये दर्शन जो देश की वित्तीय राजधानी में हुआ है वो दिल्ली की राजधानी के सीमाओं पर सिंगू में, टिकरी में, पलवल में, शाहजहांपुर में, गाजीपुरा में बैठे हुए हमारे किसान मजदूरों के साथ एक होकर इस पूरे देश को ही जगाने वाला है। देश तो जाग ही गया है, कन्याकुमारी से आसाम तक, बिहार से राजस्थान तक, हमारा जो आंदोलन 4 सालों से चलता आया और 2 विधेयक पेश किए कि हर किसान को उपज का सही दाम चाहिए, हर किसान को ऋण मुक्ति चाहिए, और किसान में खेत मजदूर भी शामिल किए हमने, पशुपालक शामिल किए, मछुआरे शामिल किए, हमारे वनोपज पर जीने वाले, वन अधिकार मांगने वाले आदिवासी भी शामिल किए। साथियों हम देख रहे हैं कि क्योंकि अपनी प्यास मिटाता है जो अपनी मेहनत का योगदान जीडीपी में 65% देता है, वो आज आत्महत्या करने के लिए क्यों मजबूर है? हर 17 मिनट में एक किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? ये सवाल आज किसान मजदूर एकता के आंदोलन के द्वारा उठ रहा है। और दूसरा बाजू है, दूसरी बाजू है अडानी अंबानी जैसे मुट्ठी भर पूंजीपतियों की। साथियों यहाँ एक बाजू न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है, किसान मांग रहा है हर उपज का सही दाम, जिसके आश्वासन चुनाव पूर्व प्रचार में मोदी जी ने दिया था। कांग्रेस भाजपा दोनों के घोषणा पत्रों में था कि स्वामीनाथन आयोग के आधार पर हम 1 रुपया खर्च पर 1.5 रुपया देंगे। अरे 1.5 रुपया क्या ज्यादा है? ये पीने का पानी अगर आप बोतल से पी रहे हैं तो ध्यान में लीजिए कि 55 पैसे लीटर से कंपनी पानी खरीदती है और 18 और 20 रुपए में बेचती है। बहिष्कार करो इस प्रकार के बोतल के पानी का। और ये मुनाफाखोरी अब अगर खेती उपज पर चलेगी तो ये अडानी अंबानी खुद के गोडाउन भरेंगे पर हमारा पेट नहीं भरने देंगे। साथियों ये तीनों कानूनों में बस ये मुट्ठी भर कंपनियों की मुनाफाखोरी है, इनकी जमाखोरी है, जो बंगाल के सूखे के अकाल के बाद 1955 से इस देश में कानून लाया गया था कि खाद्यान्न का जो अति आवश्यक वस्तु है उसका साठा कोई नहीं कर सकता, न व्यापारी न कंपनी। लेकिन अब मोदी सरकार ने इनको मुनाफा कमाने के लिए ठेका खेती की छूट दी है, खुद मंडियां चलाने की छूट दी है, अभी भाव क्या कानून नहीं बनाया है, केवल आश्वासन दे रहे हैं। और दूसरी बाजू इनके खुद के गोडाउन में लाखों टन अनाज इकट्ठा करने की छूट दी है। समझ लीजिए मेरे बस्ती बस्ती से आई हुई गरीब बहनों और भाइयों, आपकी राशन व्यवस्था नहीं चलेगी अगर ये कानूनों की, तीन कानूनों की बात आगे बढ़ने देगी तो। और इसीलिए आज हमारे पंजाब और हरियाणा के किसानी ताकत ही नहीं, शहादत के आधार पर ये जो आंदोलन चल रहा है, ये नया आजादी का आंदोलन है। साथियों पंजाब के ही सबसे ज्यादा किसानों ने 2600 में 2100 शहीद हुए थे आजादी आंदोलन में। आज भी उन बॉर्डर्स पर
दिल्ली को घेरा डाला, डेरा डाला, क्योंकि पुलिसों ने रास्ते रुके। आज मैं देख रही हूँ महाराष्ट्र के पुलिस भी, महाराष्ट्र की सरकार हमारे खिलाफ इस मुद्दे पर नहीं होते हुए भी हमको टुकड़े टुकड़े में, टुकड़े टुकड़े में भेज रहे थे रैली निकाल कर। और 4 बजे मीटिंग पूरी करने के नियम डालते हैं। शर्म आनी चाहिए कि जब हम मोदी सरकार को चुनौती और चेतावनी दे रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार के नुमाइंदों ने यहाँ आकर खड़े होकर समर्थन जाहिर करना चाहिए था। सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। सरकार हमसे डरती है, लेकिन हरियाणा जैसी बात तो महाराष्ट्र में नहीं हुई है, नहीं होने देंगी। हम चाहते हैं कि मोदी सरकार, जिसने लॉकडाउन का फायदा उठाया है, पूरी सार्वजनिक संपदा बेच दी है, बेचना जारी है, और इस कानून से हमारी खेती छीनने वाले हैं, हमारा अधिकार छीनने वाले हैं, तो राज्य का अधिकार महाराष्ट्र शासन नहीं छीनने दे। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, हर राज्य ने अपने कानून अपनाने की शुरुआत की है, तो महाराष्ट्र सरकार से हमारा ऐलान है और चेतावनी भी है कि आप हमारे नुमाइंदों की आज बात सुन सकते हैं तो सुन लीजिए, और महाराष्ट्र राज्य पूरी संपूर्ण कर्ज मुक्ति और हर उपज का सही दाम का कानून जल्दी से जल्दी ले आए। साथियों, बस मैं एक ही बात कहूंगी कि ये 3 कानून जनतंत्र को ध्वस्त कर रहे हैं, संसद में जवाब नहीं मिल रहे हैं, और इसीलिए जो दिल्ली में बैठी है वो हमारी जन संसद है। अभी 23 तारीख से 25 तारीख तक यहाँ आजाद मैदान में धरना होने वाला है, और वहाँ दिल्ली में बड़ी जन संसद चलने वाली है। हमको पता है कि हमारा मुद्दा राजनीतिक मुद्दा है, दलों की दलदल में न फंसते हुए भी हम चाहते हैं कि मोदी सरकार इसको राजनीतिक जवाब दे। कोर्ट की कमेटी एक तरफी है, अनिल धनावत जी ने कभी भी कानून पर किसानों की सही बात नहीं सुनी है, हम उस कमेटी में शामिल नहीं है। 8-9 बार चर्चा हो चुकी है, उनकी ताकत नहीं है कि वो कॉरपोरेटीकरण के विरोध को, कंपनी राज के विरोध को कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनके साथ चुनाव के पहले ही करार कर दिए हैं, पर खेती हर करार नहीं करेगा कंपनियों के साथ। और इनको अगले चुनाव की अगर चिंता है तो केवल अडानी अंबानी के चंदे की चिंता नहीं हो, हमारे वोटों की चिंता अगर है तो मोदी जी 3 कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मैं एक ही बात कहकर रुकती हूँ कि अडानी की कमाई आज रोज की 384 करोड़ रुपए है, और मुकेश अंबानी की रोज की कमाई 1045 करोड़ रुपए है। आप समझिए, ये जो विभत्स गैर बराबरी इस देश में खा रही है गरीबों की जीविका को, गरीबों की सुरक्षा को, भूख को, प्यास को, वो हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, और इसलिए ये लड़ाई जरूरी है। किसान अलायंस मोर्चा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं फरीद भाई, आपने पूरे देश में जो अभूत की भूखों पर पूरी दिल्ली को खड़ा कर दिया है, और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मन को बहुत खुशी हुई, चाहे बहुत कम है लेकिन सारे थे कैसे भाई जाना, और खास करते हैं इसी तरह आप इसे दोनों का साथ है और कानूनों का राज करवाने में मदद करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का। मैं आहलादा दादा बिकारा दादा भी जीजा जी देवा